हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमरीश कुमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, जिसका टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। कि अगर कोई चार्ज अगर स्फेरिकल सेल है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना, किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक हमारे पास में स्फेरिकल सेल है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्फेरिकल सेल हो गया। और इसकी रेडियस कितनी है, आपकी कैपिटल आर है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो इससे कोई भी पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस होगी स्मॉल आर। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सपोज हमने मान लिया कि जो हमारे पास में स्फेरिकल सेल है, इसको हमने क्या करा है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसको आप पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी हमारे पास में चार्ज नहीं होगा। कंडक्टर है तो ये चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, जैसा कि मैं डायग्राम में आपको शो कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी कि जितने भी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हमने क्या कर सकते हैं कि ये गॉसियन सरफेस हमें कंसिडर करना है, जो कि क्या है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ले रहे हैं। ये आपको ब्लैक पेन से आपको दिखा दे रहे हैं, दिस इज द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये हमारी एक गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, आपकी स्मॉल आर है, ये आपका पॉइंट पी हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका पॉइंट पी हो सकता है, ठीक। तो ये हमारे पॉइंट पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, जो नॉर्मली है उसके रेडिकल डायरेक्शन में होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर कर लें, ये सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक स्फेरिकल एक छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एरिया वेक्टर आपका कंसीडर हो गया गॉसियन सरफेस पर, और ये गॉसियन सरफेस कैसी होती है, इनक्लोज्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर को होगा, बाहर की ओर। अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें कि यहाँ पर डायरेक्शन किधर को होगी एरिया वेक्टर की, वो भी क्या होगी, नॉर्मली होगी, ये आपका डी एस हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये गॉसियन सरफेस हो गया पर एरिया वेक्टर हो गया, और इसकी डायरेक्शन किधर को हो गई, आपकी डी एस आउटसाइड हो गई, ठीक है ना, ये आपकी डी एस आउटसाइड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहाँ पर यहाँ भी वाई पी होगा। तो आप पी पॉइंट को कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ कंसीडर करें, यहाँ कंसीडर करें, और इसके नाम भी आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर P हो गया, P डैश हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पर पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना होगा, यहाँ पर हम कहाँ बात कर रहे हैं, एट पॉइंट पी, तो एट पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा आपका फाई, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ठीक है, एरिया वेक्टर आपका हो गया। तो चूंकि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में जो होगा वो आपके जो एंगल बनेगा वो जीरो डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हैं, एरिया सरफेस इंटीग्रल ओवर ई इंटू डी एस, ठीक है, ई आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एरिया सरफेस इंटीग्रल ओवर डी एस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई। और जो हमारा स्फेरिकल सेल है, क्योंकि हम पॉइंट पी पर कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो स्फेरिकल सेल, तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, अब आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आपके लिए फाई इक्वल टू आपके लिए ई इक्वल टू 4πr² हो गया। लेकिन गॉस थ्योरम से फाई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4πr², राइट। तो यहाँ से ई पर हमारी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/4πε₀ इंटू क्यू अपॉन r². तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एट पॉइंट पी, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो आपने देखिएगा इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास में ये अगर सरफेस है, ठीक है ना, ये अगर ये वाली सरफेस है तो इस स्फेरिकल सेल पर, यहाँ पर सरफेस पर, यहाँ पर सरफेस पर, ठीक है, यहाँ सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा। अब हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ सेल, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एट द सरफेस ऑफ सेल, ये तो आपका किसी भी पॉइंट पर हो गया। ठीक है, तो एट द सरफेस ऑफ सेल पर जब आप लिखेंगे तो उस कंडीशन में जो आपकी E की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, E, ठीक है, E इक्वल टू 1/4πε₀, ये सभी के लिए इक्वल रहेगा, Q की वैल्यू है तो आप Q लगा देंगे। अब यहाँ पर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस, तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, सो हियर यू पुट द वैल्यू कैपिटल R। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, राइट। अब आपको थर्ड फाइंड आउट करना है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड कितना होगा, इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, कि सेल पर हमारा कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इनसाइड द सरफेस, इन द सरफेस बोल सकते हैं, ये इनसाइड द स्फेरिकल सेल भी आप लिख सकते हैं, स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी जो सेल की कहीं भी आपकी वैल्यू हो, यानी कि इसका मतलब आपका हो गया कि यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो कितनी है, R से छोटी है, यानी कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि आप चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या सेंटर पर हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लिखकर मिलेगा यहाँ पर E इक्वल टू 1/4πε₀, ठीक है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर कितना लिखते हैं आप, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके इस सरफेस के अंदर देखिएगा कोई भी चार्ज आपके लिए नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा कि इन दिस केस देयर इज नो चार्ज, ठीक है, इनसाइड द सरफेस या सेल, ठीक है। तो जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो जो हमारी E का जो फॉर्मूला था अभी 1/4πε₀, ठीक है ना, q/r², जब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज की वैल्यू ही नहीं है, तब उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होने वाला है, q की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को ट्राई कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे CBSE एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे कि जो ई और आर, जो ई है ये आपका स्मॉल आर है, तो इनके बीच में ग्राफ आप अगर प्लॉट करें तो किस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक तो सरफेस पर और एक यहाँ पर, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करा था, तो आपके लिए फॉर्मूला कितना था,
फर्स्ट के लिए E इक्वल टू 1/4πε0 q/r2, ठीक है। सेकंड आपका क्या था, E इक्वल टू 1/4πε0 q/R2। ये जब इसकी सरफेस पर आ गया, इनसाइड की बात करेंगे तो E इक्वल टू आपका कितना था, 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी देखिएगा यहाँ पर जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू देखिएगा ज़्यादा है, क्योंकि आप इससे डिस्टेंस से बढ़ती चली जा रही है। तो ये आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R हमारा सरफेस पर हो गया तो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पर आपको हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए मिलने वाला है। और E हमारा क्या होगा, अगर हमारे R से वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तब इनसाइड द सरफेस की बात करेंगे तो कोई भी हमारा यहाँ पर चार्ज नहीं होगा, दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आपके लिए क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ प्लॉट हो गया, इधर आपकी डिस्टेंस r बढ़ रही है, इधर भी आपकी r बढ़ रही है, ठीक है ना। और ऊपर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक गोला बना लेना है, स्फेरिकल सेल आपने बना लेनी है। तो ये आपकी देखिएगा स्फेरिकल सेल हो गई, इसको आप पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ये आपकी देखिएगा पॉजिटिवली चार्ज हो गई सेल के लिए, ठीक है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए स्फेरिकल क्या होगा, पूरा आपका मतलब पूरा एक स्फीयर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अभी बना रहा हूँ, देखिएगा पूरा स्फेरिकल सेल बन गया। इस पर आप यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे, ये आपका प्लस चार्ज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आपकी देखिएगा कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ तक आपका कैपिटल आर होगा, ये आपका कैपिटल आर होगा, यहाँ भी कैपिटल आर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, आपकी मैक्सिमम है। अगर इसके अंदर किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ वाले पॉइंट के लिए आपको कितना मिलेगा, E इक्वल टू 0, अगर इसके आप अंदर जा रहे हैं तब। लेकिन अगर इससे आप आर डिस्टेंस से चले जा रहे हैं तो जैसे जैसे आर आपकी बढ़ती चली जाएगी तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत रैपिडली हमारी चेंज होगी, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका डायग्राम इधर कैसे बनेगा, ऐसे करके आप बना देंगे, और इस साइड में भी आपका डायग्राम ऐसे करके बन जाएगा। तो ये आपका ई और आर पर डिपेंडेंसी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इसमें ग्राफ में ही पूछ लिया जाता है, कभी कभार इसमें क्या होता है, फार्मूला पूछा जाता है, कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है।